खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अबे गरीब, हमारे पास तेरे लिए खाने को क्या दिखाई दे रहा है, चल पीछे हट। अरे मैडम ये क्या है, इन्हें दे दो। बदतमीज, तेरी औकात कैसे हुई ये फल छूने की? ये फल पता है कहाँ लेके जा रही थी? अपने घर लेके जा रही थी, अपने बच्चों के लिए। तूने फलों की पॉलिथीन फाड़ के मेरे फल गंदे कर दिए, अब ये घर ले जाने लायक नहीं है। पता नहीं इस बच्चे को क्यों मार रहे हैं, क्या किया है इस बच्चे ने? ओ अनाथ गरीब, इन फलों को उठाने की ना कोशिश भी मत करना। पूजा, इस अनाथ के मुंह क्यों लग रही हो, चल के निकल यहां से। बेटे तुम्हें मैडम और सर ने क्यों पीटा और तुम्हारे फल क्यों फेंके, ऐसा क्या किया तुम? अंकल ये फल मेरे नहीं थे, मुझे भूख लग रही थी और मैंने खाने को फल मांगे, मैंने छू लिए और उन्होंने। जा रहा हूँ कुछ सब्जी फब्जी लेने के लिए और तू इन्हें फल बेचते रहना, ठीक है? ले सेब ले, केला ले। सुनो जी, मार्केट से फल लाना भूल गए हैं, आगे वाले ठेले से फल ले रहे हैं। अबे ओ गरीब, इस ठेले वाला कहाँ है? मेरे अंकल बाजार से सब्जी लेने गए हैं। मैडम बता तुम्हें कितने सेब चाहिए? चल 2 किलो सेब तोल। मैडम 2 किलो सेबों के 200 रुपए दो। तेरी औकात कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? तुझे पता है कल क्या किया था तूने हमारे साथ? हमारे सारे फल गिरा दिए थे, आज मैं तेरे सारे फल गिराऊंगी और तुझे इसका 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुझसे जो हो सके कर ले। सर जी मेरे फल मत बिखेरो। अबे गरीब, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ पकड़ा और सुन, ज्यादा चिल्ला मत। अरे आकाश बेटू, क्यों रो रहे हो? और ये फल किसने फेंके? कल वाले लोग आए थे और उन्होंने ही फल फेंके थे और उन्होंने मुझे पीटा भी। चल बेटे कोई बात नहीं, हम गरीब लोगों की अमीर लोग क्या इज्जत समझे। और सुन बेटे, हम गरीब लोग अपनी मेहनत का कमा कर खाते हैं, फिर भी ये अमीर लोग हमें 2 रोटी चैन से नहीं खाने देते। कल ये अमीर लोग हमें क्यों नहीं समझते हैं और हम इनकी तरह अमीर कैसे बन सकते हैं? बेटे अमीर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है और बहुत सारी डिग्रियां हासिल करनी होती है। कल डिग्री हासिल करने से क्या होता? बेटे डिग्री हासिल करने से कलेक्टर, DM, IPS और इससे भी बड़ा ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनती है। कल मैं आज से पढ़ाई करूंगा और मैं IP ऑफिसर बनूंगा। ठीक है चल बेटे, जब तेरी यही इच्छा है तो आज से इस ठेले से मेहनत करके मैं तेरी IAS ऑफिसर की पूरी पढ़ाई कराऊंगा। ठीक है अंकल। चल बेटे फिर घर चलते हैं।
अरे आकाश ले बेटा इसे दूध पी ले। अंकल मेज पर रख दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगा। सुन बेटे, थोड़ी देर के लिए रुक जा, इसे दूध पी लिए, उसके बाद पढ़ाई करते रहिए। पी जरूर लेना, ठीक है? अरे ये बच्चा भी अजीब है, आईएएस बनने के चक्कर में इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। देखो ना कैसा सो रहा है, इसने ये दूध भी नहीं पिया है अभी। अरे आकाश बेटा, आकाश ये दूध नहीं पिया तूने? ये ले पहले दूध पी इसे, इतना पढ़ाई में बिजी मत हो। और सुन, इसे सारा सिस्टम बंद कर दे, फ्रेश हो ले, उसके बाद पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ चल। क्या लगाना है साहब? दो प्लेट खाना लगा दो, ठीक है? बेटा इधर आना। हाँ क्या बात है सर? इस रेस्टोरेंट का मैनेजर कौन है, उसे बुलाओ। सर आपको साहब बुला रहे हैं अंदर। बोलिए साहब क्या बात है? इस खाने में केमिकल है, इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, उसे बुला। तू कौन है जो इस तरह से बात कर रहा है? और हाँ तुझे पता है इस रेस्टोरेंट का मालिक कितना बड़ा है और तू उन्हें बुलाने की बात कर रहा है? तू आईएएस ऑफिसर है या इनकम टैक्स वाला है? अबे वो तमीज से बात कर, ये इस शहर के आईएएस ऑफिसर हैं। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी मालिक को बुलाता हूँ। हेलो सर। हाँ मैं नियर, बोलो क्या बात है? सर अपने रेस्टोरेंट पर आईएएस ऑफिसर ने छापा मार दिया है, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं शॉपिंग मॉल में हूँ, मैं अभी 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है सर। बोलिए सर क्या बात है? आपके रेस्टोरेंट में हर एक चीज में केमिकल मिला हुआ है, यहाँ तक कि खाने में केमिकल मिला हुआ है। आपको खाने में केमिकल मिलाते हुए शर्म नहीं लगती? इस केमिकल पदार्थ खाने से तुम्हें पता है देश के अंदर बीमारी बढ़ती है। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं, प्लीज मुझे माफ कर। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता? तुमने अभी तो मुझे माफ नहीं किया था। याद करो 18 साल पहले एक फलवारी बच्चे को पीटा था। ऑफिसर अरेस्ट कर लो और इस रेस्टोरेंट को सीज कर दो। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हमें वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। और गाइस, आपको निंजन सिंह राणा से डायरेक्टली बात करनी है तो उन्हें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें, वो आपके मैसेज की रिप्लाई जरूर देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, सेकंड चैनल भी है हमारा ब्लॉग, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।